नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुम्बरा कौसा में दिन ब दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज 22 कोरोना पेशेंट मिले हैं मुम्बरा कौसा में। कल तक यानी 11/5/2020 के आंकड़े थे 107, और आज 22 पेशेंट मिलने से अब आंकड़े यानी कोरोना मरीजों की संख्या 129 पहुँचा है। काफ़ी सेंसिटिव होते जा रहा है मुम्बरा शहर, क्योंकि कोरोना पेशेंट हर रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बात हम उनको बता दें, जो प्रहार टाइम्स के व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट करके पूछ रहे थे दीवा के मरीजों की भी आंकड़े मुम्बरा में जोड़े गए हैं क्या। तो हम उनको बता दें कि पिछले महीने ही फेर बदल हुआ है। दीवा के जो आंकड़े पिछले महीने आ रहे थे जो मुम्बरा में, अब वो अलग हो चुके हैं। दीवा का आंकड़ा अलग है और मुम्बरा का आंकड़ा अलग है। जो गड़बड़ी थी, दीवा के पेशेंट मुम्बरा में जोड़े गए थे, तो अब उनकी सुधार हो चुकी है। दीवा की आंकड़े अलग है, मुम्बरा प्रभाग समिति में उसे काउंट नहीं किया गया है। दीवा के आंकड़े हैं 12/5/2020, ऑफिशियल रिपोर्ट है 45 कोरोना मरीज दीवा के हैं अब तक मिले हैं, और मुम्बरा कौसा के 129 कोरोना पेशेंट पहुंच चुके हैं, उनके आंकड़े पहुंच चुके हैं। जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिन में मुम्बरा कौसा में कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद से ठाणे महानगरपालिका काफ़ी सख्ती में आई है, काफ़ी सख्ती दिखा रही है। कल हमने आपको कौसा के रसीद कंपाउंड की खबरें दिखाई थी, बताई थी कि कैसे पूरे रसीद कंपाउंड को सील कर दिया है, रास्ते ब्लॉक किया है, चारों तरफ से सील कर दिया है। उसी तरह आज फिर TMC के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी, मुम्बरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश अहर, धनंजय गोसावी व पुलिस स्टेशन के PI कन्हैया थोराट ने मिलकर अमीनाबाद चाँद नगर जायजा लिया और चाँद नगर अमीनाबाग को पूरी तरह से सील कर दिया है। रसीद कंपाउंड के बाद अमीनाबाग और जो है चाँद नगर को सील किया है। कई सोसाइटी की गेट पर ताले लगा दिए, यानी चौतरफा ब्रेकेटिंग करके रास्ते ब्लॉक कर दिया है। लॉकडाउन 3 खुलने तक फिलहाल रास्ते ब्लॉक रहेंगे, बंद रहेंगे। अमीनाबाग में पिछले दिनों 3 कोरोना मरीज वहां भी मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी गली गली में घूमकर लोगों से अपील कर रहे हैं, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लोग घरों में रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क लगाना अनिवार्य है। इस दौरान कई ऐसे लोग मिले जो बिना मास्क लगाए भी घूम रहे थे। यहाँ तक हर एरिए का एक स्क्वाड तैयार किया गया है जो अपने अपने इलाके में ध्यान देंगे, लेकिन कुछ लोग उन वॉरियर्स की बातों को नहीं मान रहे हैं जो TMC ने उन्हें एरिया वाइज संभालने की जिम्मेदारी दी है। उनके शिकायत पर मनीष जोशी, जो नहीं मानने वाले, जो मान रहे हैं, जो वॉरियर्स की बातें जो नहीं मान रहे हैं, उन्हें बुलाकर समझा रहे हैं, फिर उन्हें छोड़ रहे हैं। और दोबारा शिकायत मिलने पर उनके लिए चेतावनी भरा संदेश है कि दोबारा अगर शिकायत मिलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।